हेलो हेलो, अरे यार मीटिंग पॉइंट पे खड़ा हूँ काफी देर से, तुम लोग आए नहीं क्या मीटिंग करने के लिए? अरे भाई क्या बताऊँ यार, मीटिंग के लिए यारे थे, बीच में मेरा और आकाश का एक्सीडेंट हो गया यार, दोनों के दोनों हॉस्पिटल में। बैकअप दे, बैकअप बैकअप बैकअप, डॉक्टर साहब बैकअप दो, सांस नहीं आ रहा है, जल्दी बैकअप दो। अरे यार एक काम करो, तुम लोग अपना ध्यान रखो, मीटिंग अपन नेक्स्ट टाइम रख लेंगे, बात कर लूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है? हाँ भाई पक्का आते हैं। Run. अबे क्या कर रहे हैं? अरे एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट में नाम लिखना है, सबसे ऊपर अपना नाम लिख रहा हूँ। ए सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा, मैंने फ्रंट पेज वगैरह सब कुछ मैंने बनाया। भाई टॉप कंट्रीब्यूटर मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने करी है, पता है प्रोजेक्ट के अंदर? ए रात भर आंखें फोड़वाई है मैंने, इतना रिसर्च कंटेंट निकाला है। अबे तुम मेरा... भाई मैंने पूरा का प्रोजेक्ट टाइप किया भाई, ऐसे कंटेंट तो मेरा है, छोड़ इसको छोड़। लौंडा क्यों लड़ रहे हो? हैं? अरे मैं टॉप कंट्रीब्यूटर नहीं। 200 रुपया पकड़, जो प्रिंटिंग का पैसा वैसा लगाया ना तेरे, बाइंडिंग वाइंडिंग का सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, मेरा नाम ऊपर कर देना, सबसे ज्यादा मेरा काम है, ठीक है? अरे बिल्कुल भाई, थैंक्स यार। चलो भाई फाइनेंसर मिल गया, काम हो गया इसका, डाल इसके ऊपर। यार तूने वो प्रोजेक्ट का कुछ किया क्या? अबे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अजीब अजीब चीजें आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या डालना है यार। तो एक काम कर, बादल कंप्यूटिंग रिलेटेड जो भी तेरे को रिलेवेंट डेटा मिलता है ना, सारा का सारा ए टू जेड कॉपी करके डाल दे गूगल से। सारा कर दूं क्या? बिल्कुल भाई, टेंशन ही मत ले। ठीक है भाई, तू टेंशन ही मत ले, भी कर रहा हूँ। चल ठीक है। ए सर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना था। अरे इसकी तो डेडलाइन कब की निकल गई? सर ले लो सर, बड़ी मेहनत से बनाया, देखिए सर। सर ये तो देखो इंट्रोडक्शन हो गया, ये प्रोसीजर हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, रिजल्ट अपेंडिंग फ्रंट पेपर एक्नॉलेजमेंट, सर वो सब है ना प्रिंट हो रहा है, वो चार पांच लोग आपके रूम पे पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो भाइयों ये मीटिंग अपन ने रखी है काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सबको इक्वल अमाउंट का काम करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तभी फिर सबको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है? तो भाई काम कर, अब प्रोसीजर तू कर लेना, कंक्लूजन तू कर ले, रिजल्ट तू कर लेना, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फ्रंट पेज हो गया वो तू बना लेना, और अपेंडिक्स बिब्लियोग्राफी ग्लोसरी वो तू कर लेना, ठीक है? फिट है काम? एक सेकंड, तू क्या करेगा फिर? मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम करूंगा, मैं एक्नॉलेजमेंट बनाऊंगा और सबमिट मैं करके आऊंगा, ऐसे थोड़ी, तुम कर लेना फिर सबमिट ले लेना। ठीक है, पूरा काम करके मेरे को दे देना, मैं एंड में कर दूंगा पूरा सब कुछ, ठीक है? ओके बाय। यार मैं तेरे डेडिकेशन को देख के सोच रहा हूँ कि मैं तेरे को कम्युनिकेशन का हेड बना दूँ हमारे प्रोजेक्ट का। अरे भाई कम्युनिकेशन का हेड का क्या मतलब होता है? एक्चुअली क्या, वी नीड अ चैनल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर द एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी सिमेंटिक गैप बिटवीन द ग्रुप मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भाई थोड़ा आसान भाषा में बता दे। हाँ भाई। अरे यार मतलब तेरे को व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बना देता हूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप का बोलना मैं फिर मैं भाई, उसमें सारे एडमिन बन जाएंगे तो पोस्ट कौन करेगा फिर? अच्छा ठीक है, पर ये तो जिप भी खुल गई आपकी। अब अच्छा ठीक है बना दे ग्रुप, बना दे भाई, तेरी भाभी को भी ऐड कर दियो। यार दो लोग तो हम लोग हो गए प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ। एक किसको ले यार? देख भाई दिशा जा रही है, लड़की को ले ले भाई, ग्रुप में काम भी कर लेगी, सब कुछ हो जाएगा भाई, कुछ भी करके उसको अपने ग्रुप में ले ले, अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना, नाम नाम का काम करना होगा। जल्दी बात करो सजा। हाय। हेलो दिशा, मैं सोच रहा था कि प्रोजेक्ट के लिए एज ए थर्ड ग्रुप मेंबर अगर तुम हमारे ग्रुप में। अरे यार तुम सब आ रहे हो, अब मैं किस किस के ग्रुप में जाऊँ? ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो तुम ये टोकन रखो, तुम शाम को आ जाना 4 बजे अपनी डेमो प्रेजेंटेशन लेके, अच्छे से ऑडिशन वगैरह होगा और फिर मैं डिसाइड कर लूंगी, ठीक है? चलो। रात भर प्रोजेक्ट किया, पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट, फ्रंट पेज डन, एक्नॉलेजमेंट डन, प्रोसीजर डन, कंक्लूजन और वो भी डन, और वो 5 मिनट लगा दिया। अरे भाई एकदम करारा, अभी लगाया। चल भाई सबमिट करने चलते हैं। चल। अरे एक सेकंड कर दो, मैं जाऊंगा इसे सबमिट करने। भाई तू क्यों करेगा सबमिट इसको? है टेंडर पे कोई नहीं करता हमें रिजेक्ट, चाचा हमारे विधायक है और अब से यही है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है चलो, अब अपने प्रोजेक्ट का क्या होगा? देखो प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास है नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जिसके लिए मैं नंबर दूं तुम्हें? सर आपके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट हमारे लिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसलिए इसका जवाब मेरे पार्टनर शुभम देंगे। सर एक्चुअली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब जो बाकी लोगों के पास है वैसा कुछ नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या की तरह करण वाली कॉफी नहीं है,
हमारे पास सलमान की तरह ड्राइवर नहीं है, हमारे पास टिफिन में अचार नहीं है, लेकिन हमारे पास संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, दूरदर्शिता है, हमारे पास हौसला है। अगर आप हमें नंबर देते हो तो आप हमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कर सकते हो, ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हो, इस कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हो, अपना नाम रोशन कर सकते हो। और यहाँ पे जितने बड़े 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 टॉपर बैठे होंगे, अगर आप उन्हें नंबर देंगे तो वो सिर्फ सेमेस्टर पास करेंगे, लेकिन आप हमें नंबर देंगे तो हम आपको मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे, आपके ट्यूशन के बैच बनवाएंगे और आपको लफड़ों से बचाएंगे। राइट थिंग ऑफ राइट। देखो, बिना प्रेजेंटेशन के नंबर तो जीरो ही मिलेंगे, चाहे कुछ कर लो, ठीक है? चलो निकलो।